जो श्रद्धा से समन्वित है वही श्राद्ध है। दोस्तों, आ रही है हमारे प्यारे पितरों की पुण्यतिथि पितृपक्ष, जिसमें उनके निमित्त हम पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तो हमें कई प्रकार के पितृ दोष और जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। पितरों का आशीष और कृपा हम पर सदैव बने रहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए आइए जानते हैं आज के पितृपक्ष कब से कब तक है, श्राद्ध तर्पण कैसे करें और कब करें, एवं और भी कई प्रकार के उपाय जानेंगे जिससे करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो प्रसन्न होते हैं और हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखेगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। जय माता दी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा, और यदि आप भी माता रानी के दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ जाने की भूल मत कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप भी हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से सदस्य बन जाइएगा हमारी माता रानी के परिवार की। और साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो अपने परिवार के लिए लाते रहते हैं। हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा, इसलिए नोटिफिकेशन जो बेल है उस बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ये करना एकदम निशुल्क है। दोस्तों, हमारे जो अपने प्यारे पूर्वज थे वो दिवंगत होने पर पितृ बन जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान यमलोक के द्वार उनके लिए खोल दिए जाते हैं और इस दौरान वो अपने घर वापस आते हैं। उनकी हमसे अपेक्षा रहती है कि हम उनका स्वागत सत्कार करें, उनके लिए पिंडदान, तर्पण एवं दान करें, अच्छा अच्छा भोजन बना करके रोज उनका श्राद्ध करें। तो दोस्तों, हमें उनकी अपेक्षाओं पर अवश्य खरा उतरना चाहिए। वो साल में एक बार अपने घर वापस आते हैं और इस समय हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बहुत से लोग पितृपक्ष को अशुभ मानते हैं, भूत प्रेत और आत्माओं का समय समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने पितरों को भूत प्रेत और आत्मा समझकर बिल्कुल भी अपमानित ना करें। भूत प्रेत बहुत ही पीड़ाजनक योनि होती है जो बुरे कर्मों से ही प्राप्त होती है। हमारे पितृ ऐसे योनि में ना ही पड़े, हमें ईश्वर से यही प्रार्थना सदैव करनी चाहिए। हमारे पितृ तो बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं, ईश्वर की आत्मा बन जाते हैं, बस पितृपक्ष में अपने घर वापस आते हैं हम सभी पर अपना आशीर्वाद और प्रेम लुटाने के लिए। ऐसे में हमें उनके स्वागत के लिए उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त तर्पण का सबसे शुभ अवसर पितृपक्ष होता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। पितृपक्ष के 15 दिन की अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष को लेकर मान्यता है कि इस दिन पितर कौए के रूप में धरती पर पधारते हैं, इस दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है। दोस्तों, पितृपक्षी पूरी अवधि को बहुत ही खास माना जाता है, ऐसे में सात्विक माहौल बनाकर रखना अच्छा होता है। पितृपक्ष की अवधि में घर में मांसाहारी भोजन ना तो पकाना चाहिए और ना ही उसका सेवन करना चाहिए। वैसे लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पितृपक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण या श्राद्ध कर्म करते हैं, इसके अलावा अगर संभव हो तो पितृपक्ष में हमें दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि भी नहीं कटवाने चाहिए। वही मान्यता है कि जो लोग पिंडदान या श्राद्ध इत्यादि करते हैं गया इत्यादि तीर्थ में जाकर के, केवल वही लोग अपना मुंडन इत्यादि करवा सकते हैं, वरना इस दौरान अपने दाढ़ी, बाल, नाखून सामान्य जनों को नहीं काटने चाहिए। दोस्तों, हमें कुछ छोटी छोटी सावधानियां पितृपक्ष में अवश्य बरतनी चाहिए। हमारे पितर आ रहे हैं, हमें उनके स्वागत सत्कार की धूमधाम से तैयारी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, किसी प्रकार के मन में अशुभता या डर का भाव ना लाएं। हमारे पितर हमसे बहुत प्रेम करने वाले वो पूर्वज हैं जो हमारे साथ रहते थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे, वो आज भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं और अपना ही प्रेम और आशीष लुटाने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए हमें बिना संकोच के अपने पितरों का स्वागत करना चाहिए और उनका श्राद्ध करना चाहिए। आइए जानते हैं कि किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए एवं इस साल किस दिन किसका श्राद्ध होगा। दोस्तों, विशेषकर जिस तिथि में हमारे जिस पितृ का अंतिम संस्कार होता है उसी तिथि को हमारे पितरों का श्राद्ध करा जाता है। जैसे कि जो भी लोग पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे, जिनके पितृ पूर्णिमा दिवंगत हुए हैं, इस साल पूर्णिमा का श्राद्ध शनिवार 10 सितंबर 2022 को पड़ रहा है। प्रतिपदा यानी कि एकम का श्राद्ध रविवार 11 सितंबर को पड़ रहा है, लेकिन दोपहर 1:16 से पहले पहले आपको ये श्राद्ध कर लेना है, क्योंकि उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। द्वितीय दूज का श्राद्ध भी 11 सितंबर को दोपहर 1:16 बाद हो रहा है। इस बात का आप समय का ध्यान रखें, क्योंकि इस बार तिथियां ऐसे ही हो रही है, एक ही दिन दो तिथि आ रही है। तृतीया यानी कि तीज का श्राद्ध सोमवार को 12 सितंबर को है, मध्यांतर 11:37 के बाद आपको श्राद्ध करना है।
चतुर्थी यानी कि चौथ का श्राद्ध मंगलवार 13 सितंबर को प्रातः 10:38 के बाद करना है। पंचमी का श्राद्ध बुधवार को 14 सितंबर प्रातः 10:25 के बाद करना है। षष्ठी यानी कि छठ का श्राद्ध आपको गुरुवार 15 सितंबर को प्रातः 10:59 के बाद करना है। सप्तमी यानी कि सातवें का श्राद्ध शनिवार को 17 सितंबर को मध्यांतर 2:10 के पहले पहले आपको ये श्राद्ध कर लेना है। उसके बाद अष्टमी तिथि का श्राद्ध भी रविवार को 18 सितंबर को करना है। नवमी तिथि का श्राद्ध सोमवार को 19 सितंबर को होगा। दशमी तिथि का श्राद्ध मंगलवार 20 सितंबर को होगा एवं एकादशी का श्राद्ध बुधवार 21 सितंबर को होगा। द्वादश का श्राद्ध होगा गुरुवार को 22 सितंबर को। त्रयोदशी का यानी 13 का श्राद्ध शुक्रवार 23 सितंबर को होगा। चतुर्दशी यानी कि 14 का श्राद्ध शनिवार 24 सितंबर को होगा। और सर्वपित्र अमावस्या यानी कि सभी पितरों का एक साथ जो हम श्राद्ध अंतिम दिन करेंगे वो करेंगे 25 सितंबर को, और 25 सितंबर को हमारे पितृपक्ष संपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों पितृपक्ष के दौरान आपको कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, कोई भी नया व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए, गृह प्रवेश मुंडन विवाह इत्यादि शुभ संस्कार भी आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करवाने चाहिए। कुछ भी नई वस्तु ना खरीदे, गाड़ी वाहन सोना चांदी वस्त्र इत्यादि तो आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदने चाहिए। इन सभी बातों का आपको पितृपक्ष में ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों पितरों के स्वागत के लिए जिस दिन श्राद्ध की तिथि हो उससे एक दिन पहले दहलीज लीपी जाती है। उनके स्वागत के लिए जो हमारे घर की चौखट होती है, जो दहलीज होती है, पहले मिट्टी के कच्चे घर होते थे तो लोग गोबर इत्यादि से लीपते थे, अब पक्के घर हैं आप अब भी गोबर से शुभता के लिए लीप सकते हैं। वरना थोड़ी सी मिट्टी लेकर के आपको गोबर मिल जाता है तो वो लेकर के भी आपको एक दिन पहले यानी कि जैसे अगर पूर्णिमा का श्राद्ध है तो आप चतुर्दशी की शाम को एक दिन पहले की शाम को अपनी दहलीज को लीप लीजिए अच्छे से मिट्टी से, उस पर अक्षत डालिए पुष्प इत्यादि डालिए। और कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा भी आती है कि बच्चों को जो घर के छोटे बालक होते हैं उन्हें उनके ऊपर से उछलवाया जाता है, दहलीज लांगवाई जाती है, क्योंकि वो हमारे घर में पितरों का ही स्वरूप माने जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे, जो बड़े पूर्वज होते हैं, वही हमारे घर में बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। तो अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा है तो ये कीजिए, वरना दहलीज आपको अवश्य एक दिन पहले लीप लेनी चाहिए। जो भी लोग पूर्णिमा का श्राद्ध करेंगे उन्हें ध्यान रखिए अनंत चतुर्दशी को यानी कि 14 में ही दहलीज शाम के समय लीपेंगे। दोस्तों अगर आपको अपने पितरों की दिवंगत तिथि याद है जिस दिन उनका अंतिम संस्कार क्रियाकर्म हुआ था, उस तिथि को ही श्राद्ध किया जाता है। अगर याद है तो उस दिन श्राद्ध करें, उनका मन पसंदीदा भोजन बनाएं। ध्यान रहे इसमें किसी प्रकार की तामसिकता का प्रयोग ना करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि नहीं पकाना चाहिए। सात्विक सरल भोजन बनाएं, विशेषकर उड़द चावल बनाए जाते हैं, खीर बनाई जाती है, पूरी बनाई जाती है, सब्जी बना सकते हैं। ये पितरों को खीर पूरी बहुत ही पसंद है, उड़द चावल बहुत ही पसंद है, विशेषकर ज़्यादातर घरों में यही बनते हैं, पहले से परंपरा चली आ रही है, तो इन्हीं से आपको श्राद्ध करना चाहिए। किंतु यदि आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है तो कम से कम आपको इस पितृपक्ष में जो 16 दिन होते हैं, 15-16 दिन होते हैं, उसमें आपको डेली 2 रोटी या 2 पराठे, आप थोड़ा सा गुड़ रख के या कुछ भी थोड़ा सा आप सब्जी बना सकते हैं, सात्विक सब्जी रख करके उसके ऊपर आपको निकालने चाहिए पितरों के नाम से। आपको नहीं पता कि किस दिन किस पितर का श्राद्ध है तो हर दिन आप ये 2 रोटी निकाल सकते हैं, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जब भी आप सुबह सुबह अपना भोजन बनाएंगे तो उससे पहले ही आपको 2 रोटी ये पितरों के नाम की निकाल देनी चाहिए। 2 रोटी रख करके उस पर आप जो भी रखेंगे भोजन या गुड़ रख दीजिए, आपके पास कुछ नहीं है तो अपने हाथ में दाहिने हाथ में जल लेकर के 2 बार बाएं से लेकर दाएं तक आपको जल घुमाकर भूमि पर छोड़ देना चाहिए। ऐसी रोटी निकालने के बाद आपको इसे गौ माता को खिला देना चाहिए। अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितृ देवता, आज जिनका भी श्राद्ध है जिनका भी तिथि है वो आइए और हमारे भोग स्वीकार कीजिए, हम पर प्रसन्न होइए। दोस्तों इस प्रकार से करते हुए यदि आप पितरों के निमित्त प्रतिदिन 2 रोटी भी निकालेंगे तो भी आपके घर में यदि पितृ दोष है किसी भी प्रकार का तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। घर में कोई भी दुख है, समस्या है, कठिनाइयां हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। पितृ सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, घर पर बच्चों की रक्षा करते हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत से कार्य हैं जो आप इस पितृपक्ष में कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे 16 दिनों तक भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से भी प्रतिदिन पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों ये सबसे बड़ा और श्रेष्ठ उपाय है। हमने अपने YouTube पर भी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है भगवत गीता की, आप चाहें तो डेली वहां से भी सुन सकते हैं, वरना खुद पढ़े तो और भी अच्छा रहेगा। डेली 1 अध्याय आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता का अपने पितरों का नाम लेकर के, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले। इससे तो सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं हमारे पितर। और रोज सुबह आपको जल्दी उठ करके सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। सबसे बड़े जो हमारे पितर हैं वो सूर्य हैं, सूर्य ही सर्वपित्र माने गए हैं, सबसे बड़े पितर हैं, उन्हें 1 लोटा अर्घ्य आपको अवश्य देना चाहिए। फिर 1 लोटा जल आपको दक्षिण मुखी होकर के देना चाहिए।
उस लोटे में आप काले तेल डाल करके दक्षिणमुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः बोल करके क्या बोलेंगे, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ये बोल करके दक्षिणमुखी होकर के आपको जल देना चाहिए। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसे पितरों का तर्पण करना भी बोला जाता है। ऐसा करने से पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, मृत्यु लोक से लेकर परलोक तक का मार्ग बहुत ही दुर्गम होता है। हमारे जितने भी पितर होते हैं उन्होंने अपने जीवन में जैसे भी कर्म किए होते हैं उसके अनुसार ही उन्हें उस मार्ग पर जाना होता है। कोई को अंधेरे से होकर गुजर के जाता है तो कोई भूखा प्यासा यहाँ से जाता है। जैसे जैसे अपने कर्म किए होते हैं उसी के अनुसार कठिनाइयों का सामना करते हुए पितर ऊपर परलोक की ओर गमन करते हैं। ऐसे में उनकी हमसे अपेक्षा रहती है कि हम उनके निमित्त कुछ सत्कर्म करें। यदि हम इस धरती पर रहकर अपने प्यारे पितरों के लिए सत्कर्म करते हैं, दान करते हैं, तो वही उन्हें उनके उस मार्ग में प्राप्त होता है। जैसे कि यदि हम उनके लिए भोजन बना करके उनका पिंडदान करते हैं तो वही भोजन उन्हें उस मार्ग पर प्राप्त होता है और उनकी शुद्धा शांत होती है। वही यदि हम जल से तर्पण करते हैं डेली तो ऐसा करने से भी उनकी जो प्यास होती है वो बुझ जाती है, वो उन्हें तृप्ति लाभ होती है। वहीं अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो दीप दान कीजिए। दक्षिण मुखी होकर के अपने घर में एक दीपक शाम के समय आपको पितरों के नाम का अवश्य जलाना चाहिए। दक्षिण दिशा में आप चाहे तो चौमुखा दिए जला सकते हैं, वरन दक्षिण मुखी होकर के एक दीपक, एक मुखी दीपक भी अवश्य सरसों के तेल से, जो कड़वा तेल होता है सरसों का तेल, उससे जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का मार्ग उजियाला होता है और उनका अंधकार यदि मार्ग में होता है तो वो दूर होता है और पितर अपना आशीर्वाद हम पर बहुत बरसाते हैं। दोस्तों, हमारी कुंडली में सूर्य और शनि की कई प्रकार की ऐसी स्थिति बन जाती है कि जब पितृ दोष माना जाता है। बहुत से लोग ज्योतिष विवेचन नहीं जानते होंगे, साधारण जन हमारी वीडियो सुन रहे होंगे, तो कॉमन बता दें कि जिन्हें पितृ दोष होता है उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े और कलह रहती है। उनकी उनके बड़ों से नहीं बनती, बड़ों से बिल्कुल लड़ाई झगड़े रहते हैं। घर में यदि पेड़ पौधे हैं तो वो सूख जाते हैं, घर में सुख शांति नहीं रहती, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे कुछ अड़चनें आ रही हैं। दोस्तों, ये सभी लक्षण होते हैं पितृपक्ष के। इन सभी के निमित्त आपको उपाय करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त इस पितृपक्ष में आप श्राद्ध दान तर्पण अवश्य करें। कुछ ना हो सके तो दान करें। अगर आप पूरे 16 दिन भी कुछ नहीं कर सकते, जो सर्व पितृ अमावस्या आएगी, अमावस्या वाले दिन आपको 16 पितरों के निमित्त तो अवश्य ही पिंडदान श्राद्ध करना चाहिए। दोस्तों, हम आपसे एक बार फिर से आग्रह करेंगे, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस बार पितृपक्ष में एक से बढ़कर एक उपाय आप सभी के लिए लाने वाले हैं। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस प्रकार से अपने पितरों की विशेष तिथियों पर उनके लिए हम श्राद्ध कर सकते हैं, पिंडदान कर सकते हैं, और भी एक से बढ़कर एक उपाय बताएंगे, इसलिए हमसे कनेक्ट रहिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।